Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from us. कोरोना का दूसरा लहर पूरा देश को हिला के रख दिया है। इससे छुटकारा नहीं मिला है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी, जहां पर लगातार एक के बाद एक क्रिकेटर का परिवार सहित क्रिकेटर भी कोविड-19 के चपेट में आ रहा है। जैसे भारतीय क्रिकेटर रिद्धिमान शाह, प्रसिद्ध कृष्ण जैसे क्रिकेटर कोविड-19 पॉजिटिव आ चुका है और कुछ क्रिकेटर के करीबी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्य का निधन भी हो चुका है। हाल ही में आपने सुना होगा राजस्थान रॉयल्स का मीडियम फास्ट बॉलर चेतन सकरिया, जो उभरता हुआ भारतीय क्रिकेटर है, उसके पिता कांचीबाई सकरिया का मौत हो चुका है कोविड-19 के वजह से। इसके अलावा भी भारत का पूर्व क्रिकेटर आरपी सिंह का पिता शिव प्रसाद सिंह का भी निधन हो चुका है कोविड-19 के वजह से। उसके साथ ही शोक का लहर जारी है पीयूष चावला, मुंबई इंडियंस का लेग स्पिनर पीयूष चावला के परिवार में भी। उसके पिता प्रमोद कुमार चावला का भी निधन हो चुका है कोविड के वजह से। इस बीच कल और भी बुरी खबर आई इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। भारत के पूर्व ऑलराउंडर राजेंद्र जडेजा का निधन हो चुका है गुजरात में, और उसके बजाय है कोविड-19। उसकी उम्र हुआ था 66 साल। सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के चयनकर्ता कोच मैनेजर रह चुके हैं जडेजा। राजेंद्र प्रसाद ने अपने समय में एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे। उसने अपना क्रिकेट जीवन में 50 प्रथम श्रेणी में 134 विकेट लिए हैं और 11 लिस्ट ए में 14 विकेट चटकाए थे। इसके अलावा प्रथम श्रेणी में उसने 1536 रन बनाया और लिस्ट ए में 104 रन भी बनाए थे। जडेजा BCCI का रेफरी रहते हुए 53 प्रथम श्रेणी मैचों में रेफरी किया और 18 लिस्ट ए मैचों में और 34 T20 मैचों में रेफरी रहा था। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.